सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल एसोसिएट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे DMRC का पेपर हो, चाहे UPBCL का पेपर हो, चाहे UPRVNL का पेपर हो, चाहे BR32 का पेपर हो, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च वियोजन क्षमता HBC वाले फ्यूज बहुत डॉटेड प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष यानी कि स्टार्टिंग सर्ज और एक अधिभार के बीच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कर जो सकता है यानी कि प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो यानी कि सबसे तेज होगा, ठीक है। प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो यानी कि सबसे तेजी होगा और वहीं पर, और जो यानी कि इसका प्रोत्कर्ष यानी कि सर्ज की बात कर रहा है वो बीच जो होता है वो यानी कि अधिक अधिक भार के बीच होता है, यानी कि भेद करके होता है, ठीक है। तो तेज और भेद वाला ऑप्शन किस में दिया है, तेजी से यानी कि भेद करना, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, कौन सा, डी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए दोस्तों वो यानी कि फेरुल कार्टेज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी कि फेरुल कार्टेज फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है या काम करते हैं। तो फ्यूज जो काम करता है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध के तापन, बी में वोल्टेज के तापन, सी में इलेक्ट्रोड के तापन, डी में करंट का तापन। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया दोस्तों, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे यानी कि फ्यूज काम करता है, ठीक है। करंट के तापन प्रभाव पे यानी कि जो है फ्यूज काम करता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। कौन सा फ्यूज आकार में सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, यानी कि आकार की अगर बात पूछे तो DC फ्यूज यानी कि सबसे बड़ा होगा आकार में, ठीक है। इसी के अपेक्षा यानी कि DC फ्यूज होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है DC फ्यूज, ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। तो दोस्तों, उच्च वोल्टेज फ्यूज की बात किया जाए तो HRC फ्यूज सबसे उच्च वोल्टेज फ्यूज है, क्योंकि इसका उपयोग यानी कि 765 किलो वोल्ट से ज़्यादा पर भी करते हैं, ठीक है। मैन्युअली इसका उपयोग यहाँ तक करते हैं, 765 किलो वोल्ट तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारिक संख्या क्रमशः यानी कि और डॉट के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, ऑन और ऑफ की अगर बात किया जाए तो 1 होता है और 1 यानी कि 0 होता है, ठीक है। 0 का मतलब ऑन और ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 और 0, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दाब वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, यानी कि देखिए, पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यानी कि सबसे बड़ा और आर्क बुझाने के लिए, और वो कौन सा, एयर ब्लास्ट में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी कि एयर मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, बी में दिया है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सी में दिया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, डी में दिया एयर इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर। अरे भाई, ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, आंसर टिक लगाना है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है, ठीक है। कम वोल्टेज फ्यूज का उदाहरण है, इंग्लिश में दिया हुआ है यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लो वोल्टेज फ्यूज। ऑप्शन ए में दिया है कारतूस प्रकार फ्यूज, बी में तरल प्रकार HRC फ्यूज, सी में दिया है एक्सपल्सन प्रकार HRC फ्यूज, और डी में दिया है ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज। दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि सबसे जो यानी कि कम वोल्टेज फ्यूज होता है वो ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज होता है, ठीक है ना, ड्रॉप्ड आउट प्रकार फ्यूज होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज जो है तत्व की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम मेल्टिंग पॉइंट, बी में दिया है लो कंडक्टिविटी यानी कि कम कंडक्टिविटी, डी में दिया है ऑक्सीकरण से प्रभावित नहीं है, और डी में दिया है कम यौगिक नुकसान है। अरे भाई, ये सब तो कुछ नहीं होता है। ऑप्शन यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यानी कि कम कंडक्टिविटी विशेषता इसका जो होता है यानी कि बहुत कम होता है लगभग में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डॉट डॉट है। अरे भाई क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है युग्मक अनुपाती होता है, सीधे अनुपातिक होता है, बराबर होता है, चरघाती होता है। ठीक है, तो फ्यूज का करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान के जो है दोस्तों यानी कि क्या होता है, तो ये जो होता है यानी कि डायरेक्टली जो है यानी कि सीधे समानुपातिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। कौन सा फ्यूज जो है आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है। ठीक है, आयल सर्किट ब्रेकर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि या तो ऑप्शन में दिया रहेगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, अगर ये नहीं है तो ऑप्शन देख करके यानी कि इसको टिक करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है तरल प्रकार, ठीक है, लिक्विड टाइप। बी में दिया हुआ है यानी कि बी में दिया हुआ है यानी कि मेटल ऑयल इनफील्ड फ्यूज, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर में यानी कि ड्रॉप आउट फ्यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटल चढ़ा हुआ यानी कि तेल फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है मैग्नेटिक रिले डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैग्नेटिक रिले को यानी कि इंडक्शन रिले कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन रिले कहते हैं मैग्नेटिक रिले को। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है इंडक्शन रिले, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। लिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है रिलैक्सेशन पोल, बी में दिया है इंडक्शन कपल, डी में दिया है शेडेड पोल और डी में दिया है वाट आवर मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द यानी कि पहुँच सके। ठीक है, और एक और आवश्यक सूचना, अगर कंप्यूटर का आप क्लास हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसका आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि रिलैक्सेशन पोल होता है। कौन सा होता है, रिलैक्सेशन पोल रिले होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पर बात करते हैं। विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए या तो फ्यूज का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये फ्यूज का यानी कि सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। SF6 परिपथ व्यूजक में आर्क सामान के दौरान गैस जो होता है यानी कि किस में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है एस तथा एफ आयन में विखंडित हो जाता है, बी में दिया SF4 तथा SF2 में विखंडित हो जाता है, सी में दिया है का ऑक्सीकरण हो जाता है और SF3 में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक आदर्श परिपथ विच्छेद को प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा। ठीक है, बी में दिया हुआ है यानी कि क्रमशः रुकावट के पहले और बाद में अनंत और शून्य प्रतिबाधा, बस उल्टा ही करके लिखा गया है। रुकावट से पहले और बाद में समान प्रतिबाधा, समान तो देंगे नहीं भाई। डी में दिया रुकावट से पहले बाद में शून्य प्रतिबाधा, ये भी नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ELCB का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ELCB का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यानी कि अर्थ, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है। किस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है मोटर, बी में दिया है जनित्र, सी में फ्यूज और डी में इन्वर्टर। तो दोस्तों सुरक्षा युक्ति के लिए यानी कि फ्यूज का उपयोग करेंगे। किसका, फ्यूज का। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया परिपथ वीडियो की विच्छेदन क्षमता को सामान्यता प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, यानी कि परिच्छेद ठीक है ना, परिपथ वियोजन की जो क्षमता होता है उसको किस में मापते हैं, तो दोस्तों उसको यानी कि MVA में मापा जाता है, ठीक है, MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, मेगा वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न पे बात करेंगे। इससे पहले बता दूं, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कौन सी युक्ति भूत दोष से सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है, दोस्तों भूत दोष से सुरक्षा के लिए ELCB का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ELCB, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि बिल हो जाएगा, ठीक है।